हेलो फ्रेंड्स, यदि आज का ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मैं हूँ मनाली में और आपको मैं घुमाऊँगी मनाली। तो बस नाश्ता करके निकलते हैं हम मनाली घूमने के लिए। ने रूम में ही बुलवा लिया है नाश्ता। आलू चाट अचल का ऑर्डर था तो आलू चाट आई है और अभी हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं। और अच्छी तीखी है, अच्छी लग रही है। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे। फिर अभी ना बारिश भी चल रही है काफ़ी, तो हमने सोचा जब तक रूम में हम लोग थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर ले और उसके बाद निकलेंगे। और आज मैंने बाल धोए हैं तो पूरे बाल मेरे गीले हैं, बाल सूख भी नहीं पा रहे हैं। दिखाती हूँ एक मिनट। अच्छा, तो पूरा गेटअप आपको ना थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। तो ये है मेरा आज का गेटअप और मैंने ये लॉन्ग फ्रॉक पहनी है आज, अंदर जैगिंग पहन लिया है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, कप कपी आ रही है अभी स्वेटर पहनने के बाद भी।
और हम लोग आ गए अभी अभी हडिम्बा टेम्पल, तो बस वहीं जा रहे हैं। बारिश ना फिर से चालू हो गई है, तो देखो अचल करो भाप भाप, पानी आ रहा पानी। तो फ्रेंड्स ये है हडिम्बा टेम्पल और ये मैं पीछे का आपको सीन दिखा रही हूँ। पानी हो आ रहा है, अभी बारिश हो रही है इसलिए अभी सामने नहीं जा रही हूँ, हो सके तो सामने का दिखाऊंगी। बाकी मुझे लग नहीं रहा है कि मैं सामने तक जा पाऊँ क्योंकि बारिश काफ़ी तेज हो रही है। और हम लोग अभी जा रहे हैं क्लब हाउस, तो ये एक अंदर का रास्ता लिए हैं और व्यू तो बहुत ही प्यारा आ रहा है, इतना सुंदर लग रहा है व्यू। हाँ हाँ
यहाँ पे आए हैं गेम खेलने के लिए। अचल को कुछ गेम खेलना है, देखते हैं क्या क्या है और क्या बनता है हमसे। तो ये पूरा गेम जोन है और हम लोग को ना कुछ समझ नहीं आ रहा क्या गेम खेले, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं खेलते इस तरह के गेम वगैरह। तो हम लोग ना नीचे जाएंगे अब, तो थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठे हैं, पैर दुखने लगे हैं चलते चलते। और हडिम्बा टेम्पल से हम लोग यहाँ तक आए, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग एक बार पहले दर्शन कर चुके हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम पहले क्लब हाउस जाएँ और बाद में लौटेंगे, तब देख लेंगे वहाँ पे, यदि वहाँ भीड़ कम होगी तो फिर वहाँ के फिर से दर्शन कर लेंगे। और बारिश भी काफ़ी हो रही थी इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं अभी। और अब
और हम लोग अभी निकले हैं मॉल रोड, नाइट का टाइम है ये। मैंने कल आपको डे दिखाई थी तो आज मैं सोचा नाइट में दिखाऊं कि मॉल रोड कैसा लगता है। और बहुत ज़्यादा रौनक है यहाँ पे, बस भीड़ भीड़ नज़र आ रही है चारों तरफ और बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। हाँ ले दें क्या, पागल हो रहा है। कितने की आ रही तो देख लेते ना, कितने की आ रही। अचल की कुछ डिमांड है तो उसको पूरा करने जा रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं क्या ले रहा है अचल। देखो हाँ हाँ ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, बस चेकआउट कर रहे हैं। और आज इतनी अच्छी धूप निकली हुई है ना यहाँ, मतलब कल ऐसी धूप नहीं थी, नहीं तो कल शायद और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो बस लास्ट टाइम है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं होटल एक बार फिर से शेयर करूँ। और बहुत ही अच्छी होटल है ये, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है एंड खाना भी बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल घर जैसा खाना लगा। तो दिखा दूँ मैं ये होटल, तो बस हम लोग निकलने वाले, हमारी गाड़ी आ रही है और आज हम जा रहे हैं धर्मशाला। मतलब हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी धर्मशाला जाने की, मगर अचानक से हमने प्लान बनाया शिमला छोड़ के, अब हम धर्मशाला जा रहे हैं। तो वहाँ से गाड़ी आ रही है तो उसी से हम लोग जाएंगे। तो अगला ब्लॉग बनाती हूँ मैं आपके साथ धर्मशाला टूर का। तो फ्रेंड्स बाय बाय, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आए। एंड आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल बटन को भी दबाना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत आ जाए। तो फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।